ए चाची सुनी ना, हाथी चुकी से पैदा कोई के पोटी पर चलते आ कोई आज है भी देखो दल की काका ने के कोई भी देखो दल की काका भी पोटी यानी नहीं अभी अभी काहे खाती रो हर बैल अलबन मिले खाती भेट भाई लेकिन मिले खाती रात में लाके मैं रोती कर हट गया कमाल पर बात ना लग जानी मैं करो तो मैं के पता तो ही रो रो आठ से मैं ना गिर गई तो भेट भाई लगी से आधा लगी तो भेट भी आधा लगी तो ना का नाम है तेरा और दर का नाम है हमारा का नाम है तो भेंट सबसे काहे ना भइल आर लगी वाला भीतर हो तो कैसे भेंट नखे कर देत का अरे हमें बताई न्यूज में कुल लिखा पाई रोशन आते नहीं भीतर पता नहीं अलग सुनो आप अभी अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, मुलाकात हुई क्या? नहीं, हम बेटी से नहीं हैं, हम एक सामाजिक के नाते और हमारी बेटी बहन है लोग, इसमें समाज के नाते की इन लोगों का अत्याचार हो रहा है और यहाँ के प्रशासन की जो है सबसे जिम्मेदारी है, इन लोगों का अपना व्यवस्था अलग करना चाहिए। इस पंचायत फोन सरकार में नहीं रहना चाहिए, इन लोगों के लिए अलग क्षेत्रवास अलग व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की जो है सुशासन सरकार, ये निकम्मे सरकार है। इन लोगों हम लोग आगाह करना चाहते हैं, ये अपने बेटी बहन को लेकर साथ में रोड पर बैठे इस कैंपस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आशा एक भारत की टीम जिस तरीके से बेलौटी गांव में है और यहां पे कस्तूरबा गांधी में जिस तरीके से लड़कियों के साथ शोषण करने का मामला आया है, तो यहां पर देखिए जिस तरीके से लाइन लग चुका है गाड़ियों का, गाड़ियां यहां पे जो है वो रुक चुकी है, थम गई है। कारण क्या है? क्योंकि यहां के जो ग्रामीण हैं और कुछ नेता हैं, छात्र नेता है और कुछ महिलाएं जो कि जिनकी बेटियां यहां पे पढ़ती हैं, वो यहां पे सड़क पर बैठ गई हैं और चाहती हैं वो कि उनको न्याय मिले और चाहती हैं वो कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। तो चलिए बात करते हैं यहां पे, हम आपको लेके चलेंगे यहां पे, बात कराएंगे कि क्या मामला है और क्यों बैठी है सड़क पर, क्या चाहती हैं ये लोग और क्या है पूरा मामला। तो जिस तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लड़कियों के साथ शोषण होता है, यहाँ पे लड़कियां बोली हैं कि सफेद पोशाक के नेता यहाँ पे आते हैं और रात को वो यहाँ पे आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्यों बैठी हैं आप लोग रोड पे, क्यों बैठी हैं? अपने बच्चों के लिए बैठी है। बच्चों के लिए बैठे, इंसाफ चाहिए। बच्चों के पढ़े के देर ले बनी, बच्चों के सुनने में आयला की दूगो लड़की भागल बा लोग, वही के सुन के अपने बच्चों खातिर आई बनी है, इसीलिए आप लोग बैठी हैं, चाहती है इंसाफ मिले। अब हम लोग सब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या 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 चाहती हैं आप सरकार से, क्या चाहती हैं यहाँ के प्रशासन से? यहाँ के पूछा था कि मैंने क्या कोई चाहता हूँ, हम अपने लड़की के लिए आ जाए भाई, न तो के छोड़ो जाना नानी मन से पढ़ाई लोग, तो हम अपने लड़की के लिए जाए और भाभी के कुछ भी सवाल से नहीं खेल लड़की भरोसा नहीं किया ना कहे से कि एक हमने के भरोसा टूट गोल, हमने के मृत्यु चुके से ना थी कनी जा आया जे लड़की दोसर लड़की कुलान चलल जाओ के गुना पिसान सोना जाई का पता चलल है, का पता चलल है रुवा लोग के रुवा लोग जाई नहीं आजा सुन ली का पता चलल पता चलल है कि दू गो लड़की भागल बा लोग, नेट पर देखला लोग तो कहला लोग कि लड़की भागल बा, सन के पांच गो लड़की डॉलर बन जाए, अपना लड़की के चलते पांच हम दियाइल बनी जाए, हमनी के लेके अपन जाई जा लड़की के घर लेके जाई जाए रौरो लड़की बड़ी। हां वही बड़ी। कौन क्लास में पढ़ेली? छौवा में। छौवा में पढ़ेली। का नाम है? निशा। रौरो रौरो लड़की कौन क्लास में? छौवे में। ले जा लोग लड़की अपन, ले जा लोग हाँ साहिले कलम ना पुलिस की ले जा लोग लड़की साहिले नीमन से लड़की ला कर राखी लोग, तो नीमन से लड़की के रख छोड़ जा ना नीमन से लड़की राखी लोग तो हमी के ले। देखिए यहाँ पे दुख भी है, गरीबी है, दुख है, तो यहाँ पे लोग ये भी यहाँ पे ये लोग कह रहा है लोग कि लड़की को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन लड़की अगर यहाँ पे सही सलामत रहेगी तो हम भी गरीब घर से आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियाँ पढ़े आगे बढ़े और कल्पना चावला और बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं उन लोगों के जैसा IAS ऑफिसर और काफी सारी जगह पे अच्छे जगह पे जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से घटना नजर आ रही है, बिहार में कहते हैं, देश में कहते हैं बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें सुशासन बाबू की, बिहार की, नीतीश कुमार की, यहाँ के सरकार की, तो नजर आ रहा है यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो सड़क पर बैठने पे मजबूर हो जाती हैं। आखिर मजबूरी ऐसा क्या आन पड़ा कि ये आज सड़क पर बैठी हैं और ये इंसाफ चाह रही हैं? आखिर ऐसा इंसाफ कहां से मिलेगा इन्हें? तो ये हम बात करेंगे। चलिए और कुछ नेता हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग तो सुबह से लगे हुए हैं, क्या मांग करते हैं, क्या चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ का जो लोकल सफेदपोश है उसका जितना जल्द हो गिरफ्तारी हो, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। इस मामला को दबाने की यहाँ की पूरी प्रशासन लगी हुई है। जब तक उस मुखिया का गिरफ्तारी नहीं होता है और सभी लड़कियों को मेडिकल जांच किया जाए, सभी लड़कियों पर शक है कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ होगा, इसलिए सभी लड़कियों का मेडिकल जांच कराया जाए। और जो दोषी है अभी इस पर बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा जब इसका जांच निकलेगा, कौन आता था कौन जाता था। अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि 2-3 बजे 1 बजे कोई मोटरसाइकिल से आता था, ले जाता था, लाता था, यह जांच का विषय है। इसका एक SIT टीम बने, इसकी जाँच हो, इसी के लिए हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, चले बात करते हैं। क्या 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 चाहते हैं आप लोग? इतना बैठ के आप लोग जाम किए हुए हैं, इससे तो सुविधा भी हो रही है भैया। राज्य सरकार को गरीब से मतलब है क्या? 1 घंटा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ मानवता और इंसानियत की बात आती है हम लोग रोड पर उतरते हैं और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। इन गरीब बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, कोई आता है 1 बजे 2 बजे एंट्री मारता, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग DM साहब को बुलाने की मांग करते हैं और SIT टीम की गठन की मांग करते हैं। और यहाँ जो सफेद पोस्ट जो पंच स्थानीय मुखिया है, तो जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग रोड पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि जिस तरीके से जो इन लोगों के शक के दायरे में है मुखिया और जो भी अपराधी लोग हैं, अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, DM यहाँ पे नहीं आते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और धरना देते रहेंगे और रोड जो है वो जाम रहेगा। लेकिन जाते जाते हम आपको बताते जाए कि कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है वो बेलौटी में है। बेलौटी शाहपुर के क्षेत्र के अंदर में आता है, आरा भोजपुर बिहार के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो गरीब वर्गों की लड़कियाँ पढ़ती हैं, जो निचले कास्ट की लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ पे आके पढ़ती हैं। और यहाँ पे उनको जब माता पिता भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं कि हमारी जो बेटी है, जो गुड़िया है, जो छोटी सी लड़की है, वो यहाँ पे आएगी तो पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी और तभी तो हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन नाम रोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपके सामने इन्होंने खुद प्रकट कर दिया, क्योंकि ये चाहती हैं। अब ये इसलिए क्यों चाहती हैं ये कि ये इनकी बेटी यहाँ ना पढ़े, ये भी एक देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात आपको और हमको करनी है कि आखिर हम कौन सा सुशासन बना रहे हैं, आखिर हम कौन सा बिहार बना रहे हैं, आखिर हम कौन सा देश बना रहे हैं जिसमें बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, जिसमें जिसको सुरक्षा के लिए रखा जाता है, जो वार्डन रहती है, जो उसको पढ़ाता है वो रहता है, या इस गाँव का मुखिया जो है जिसका नाम आ रहा है वो रहता है, आखिर ये कैसा सुशासन है? इस सभी बातों को रखते हुए, इस सभी मामलों को रखते हुए हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये खबर और इनकी विवाह की राय पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और YouTube आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।